नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन और अंतिम दिन पूरा हो गया। अमित शाह ने यहां पर आके कई सारे घोषणाएं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड एक और जहां संभावनाओं का प्रदेश है, वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रदेश का निर्माण किया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टर समिट का आयोजन काफ़ी सफल रहा है। इसी में सबसे बड़े उद्योगपति हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें रसना ग्रुप ऑफ चेयरमैन के ओनर हैं। सर से जानेंगे, सर कैसा रहा आज का मतलब सेशन और इन्वेस्टर समिट अब क्लोज हो रहा है? बड़ा इंस्पायरिंग रहा जी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है जी, मैं हमेशा मानता हूँ यो विजन के साथ अगर जुड़ेंगे तो कंट्री का तो फायदा है, हमारा भी फायदा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो उन्होंने विजन दिया है लोकल टू ग्लोबल, ये बहुत सही चीज़ है। आज अभी दिन गए कि हम फॉरेन के प्रोडक्ट इंडिया में लेके हमारे टेबल ब्रेकफास्ट पे लाए, डिनर पे लाए, कैसे इंडियन प्रोडक्ट को फॉरेन लिया जाए। और इस पर हमने आज नहीं, 2-3 साल से ही काम चालू कर दिया है। एक जो उत्तराखंड में रोज़ होता है, तो रोज़ का कैसा रोज़ ऑयल, रोज़ वाटर, रोज़ शरबत बनाया जाए और वर्ल्ड में पहुँचाया जाए। अभी फ़िलहाल में G20 हुआ था और उसका जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था, वो था बड़ा अनाउंसमेंट है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। और ये जो कॉरिडोर खुलने जा रहा है, उससे एक इमेंस पॉसिबिलिटी होती है कि हम यहाँ बनाएं और चेक यूरोप तक हमारा माल बेचे। और ये एक छोटे उद्योगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें कैसे हम जुड़े, और जो हमारी कंपनियाँ हम खाली अकेले नहीं ग्रो करना चाहती, हमारे साथ फार्मर ग्रो हो, SME ग्रो हो, तो हम ऐसा पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट वर्ल्ड में पहुँचे। और यही प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इन्वेस्टर समिट की क्लोजिंग में ओवरऑल आपका असेसमेंट अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में यही कहना चाहूँगा, और वो आपने जो बताया वही कि अटल जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है कि छोटे स्टेट बनने का, ये सक्सेस हो गया। क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर छोटा होता है तब रिस्पॉन्स भी फास्टर होता है। तो आप ये जो ईज ऑफ बिजनेस का पैरामीटर हो, कि आज किसी को पूछोगे करप्शन कहाँ कम है, उत्तराखंड बोलेंगे। रेड टेपिज्म कहाँ कम है, उत्तराखंड बोलेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है, उत्तराखंड बोलेंगे। लैंड का प्राइस कहाँ, मैं कम नहीं बोलूँगा, ट्रांसपेरेंट है, उत्तराखंड बोलेंगे। तो ये सब चीज़ में आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरे हिसाब से ये जो एक्सपेरिमेंट है कि स्मॉलर स्टेट यूनिट इज़ अ गुड एक्सपेरिमेंट, और मेरा तो मानना होगा कि इसको और आगे ले जाना चाहिए। और अच्छा सर, बतौर उद्योगपति, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि साल में दो सालों में एक बार कम से कम इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, इस उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, जो इकोलॉजिकल बेस बता रहे हैं, दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें बतौर एंटरप्रेन्योर आपके क्या व्यूज़ हैं? इस समिट का मतलब ये नहीं है कि ये खाली इन्वेस्टर लोग हम आ जाए समिट के। आप यहाँ देख रहे हो स्कूल के छात्र लोग आ रहे हैं, अब यहाँ इसमें इंस्पायर हो जाएंगे, ये सोचेंगे भैया हम क्यों कहीं नौकरी करें, हम खुद का यूनिट लगा दें। और स्टार्टअप में तो इमेंस पॉसिबिलिटी, आज SME सोचेगा लाओ मैं बड़ा हो जाऊँ। ये समिटों का उद्देश्य नहीं है एक आदमी 5,000 करोड़ लगाए, 5,000 लोग 1 करोड़ लगाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे जो स्टेट का फायदा है। तो डेफिनेटली समिट हर 2 साल होना चाहिए। और ये भी मैं मानूंगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा बढ़िया सा हॉल होना चाहिए, वो भी एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट ही है। और आपके CM ने अनाउंस कर दिया है, तो लुक फॉरवर्ड के 2 साल में एक बड़े हॉल में अच्छा सा कॉन्फ्रेंस हो, बड़ा कॉन्फ्रेंस। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रसना ग्रुप के चेयरमैन, जो बता रहे थे कि ये इन्वेस्टर समिट है, ये काफ़ी सफल आयोजन हुआ है। खास बात ये है कि स्टार्टअप्स में जो युवाओं ने हिस्सा लिया है, उनके आइडियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, अपीलिंग हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इन्वेस्टर समिट उम्मीदों का जो मेला है, वो अब समाप्ति की ओर है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में ज़रूर पंख लगते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित से उत्तराखंड।